प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2014 में शानदार जीत के पीछे चुनावों के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा हाथ माना जाता है, लेकिन 2014 के चुनावों के बाद प्रशांत की राह बीजेपी से रुखसत हो गई और वो बिहार में नीतीश कुमार के रणनीतिकार बने, जिसके बाद बिहार में महागठबंधन को भारी जीत मिली थी और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत ने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन इस बार उनकी रणनीति कारगर साबित नहीं हुई और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से पीके पर लगातार सवाल खड़े होने लगे, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर टीम मोदी के साथ वापस लौट सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि एक बार फिर से दोनों मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति बना सकते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।